राजा विक्रमादित्य ने बेताल को अपने कंधे पर उठाया और बिना रुके चल पड़े। रास्ते में चलते चलते बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। मदनपुर नगर में वीरवर नाम के एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा का राज था। उसके राज्य में हिरण्यदत्त नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था, जिसकी एक सुंदर और गुणी कन्या थी, जिसका नाम मदनसेना था। मदनसेना अपनी सादगी, सुशीलता और अद्भुत सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। एक दिन मदनसेना अपनी सखियों के साथ बाग में आनंद लेने के लिए गई। संयोग से उसी समय बाग में सोमदत्त नामक एक सेठ का पुत्र धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। जैसे ही उसने मदनसेना को देखा, उसके हृदय में प्रेम जाग उठा। उसकी सौम्य छवि उसके मन में बस गई। उस रात वह मदनसेना की छवि में खोया रहा और बेचैन होकर करवटें बदलता रहा। अगले दिन उसे खुद पर काबू न रहा और वह फिर से उस बाग में पहुंच गया जहां उसने मदनसेना को पहली बार देखा था। इस बार मदनसेना वहां अकेली बैठी थी। धर्मदत्त ने साहस जुटाया और मदनसेना के पास जाकर कहा, हे सुंदरी, यदि तुम मुझसे प्रेम नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मदनसेना उसकी गहरी भावना देखकर चौंक गई। उसने कहा, यह संभव नहीं है। 5 दिन बाद मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। धर्मदत्त निराश होकर बोला, तुम्हारे बिना मेरा जीवन शून्य हो जाएगा। मदनसेना ने उसकी गंभीरता देखकर उसे सांत्वना दी, अच्छा मैं एक वचन देती हूँ, मेरे विवाह के पश्चात जब मैं अपने पति के पास जाने लगूंगी, उससे पहले मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी। वचन देकर मदनसेना अपने घर लौट गई। कुछ ही दिनों बाद उसका विवाह संपन्न हुआ और वह अपने पति के घर चली गई। अपने पति के पास पहुंचकर उसने अपनी वचनबद्धता के कारण मन में घबराहट महसूस की। उसने अपने पति से कहा, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे अभय प्रदान करते हैं तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पति ने उसे भरोसा दिलाया तो मदनसेना ने धर्मदत्त को दिए वचन के बारे में सब कुछ बता दिया। उसका पति, जो उदार हृदय और समझदार व्यक्ति था, थोड़ी देर सोचता रहा। अंततः उसने कहा, यदि तुम्हें वहां जाना ही है तो जाओ। मदनसेना ने अपनी यात्रा के लिए उत्तम वस्त्र और आभूषण धारण किए और धर्मदत्त से मिलने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में एक चोर ने उसका रास्ता रोका और उसका आंचल पकड़ लिया। मदनसेना ने उससे विनम्रता से कहा, मुझे छोड़ दो, यदि तुम्हें गहने चाहिए तो ये ले लो। पर चोर का इरादा कुछ और था। उसने कहा, मुझे गहनों से कोई मोह नहीं है, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदनसेना ने उसे अपनी स्थिति बताई और कहा, पहले मैं अपने वचन का पालन कराऊं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। चोर ने उसकी बात पर विश्वास किया और उसे जाने दिया। मदनसेना धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देख धर्मदत्त बहुत खुश हुआ और पूछा, तुम अपने पति से कैसे बचकर यहां आई हो? मदनसेना ने बिना कुछ छुपाए पूरी कहानी सुना दी। धर्मदत्त उसकी सच्चाई और वचनबद्धता से प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि यह प्रेम नहीं बल्कि उसके प्रति मात्र एक आकर्षण था। उसने उसे सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। वह लौटते हुए फिर से चोर के पास पहुंची। चोर ने उसकी सत्यता सुनी और उसकी निष्ठा देखकर वह भी प्रभावित हुआ। उसने बिना कोई हर्जाना लिए मदनसेना को उसके पति के पास वापस जाने दिया। जब मदनसेना अपने पति के पास पहुंची और पूरी घटना का वर्णन किया तो उसका पति प्रसन्न हुआ और बोला, तुमने अपना वचन निभाया और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, तुम बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से सबसे बड़ा त्यागी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, इसमें सबसे बड़ा त्यागी चोर है। पति ने केवल अपनी पत्नी की भावना का सम्मान किया। धर्मदत्त ने अपने मोह को समझकर उसे विदा कर दिया। लेकिन चोर, जिसे इस पूरी घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उसने निस्वार्थ होकर मदनसेना को जाने दिया। इसलिए असली त्यागी वही है। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। आगे का भाग देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।